सबको देख लिए है, कांग्रेस को भी देख लिए है, जेडीयू को भी देख लिए है, 17 साल से वही देख रहे हैं, ना कुछ हुआ है ना विकास में कुछ। इसीलिए हम लोग इस बार बस MIM को वोट कर रहा है। इस बार जीतेगा पतंग, इस बार पतंग ही जीतेगा। 6 लाख पर पार, 6 लाख पार। सबने दिया हमको चोट, अब अपनी पार्टी अपनी वोट, बच्चा बच्चा नीम का। इस बार चलेगा सिर्फ पतंग ही पतंग। इस बार जो है इंडिया गठबंधन का बनेगा सरकार। इंडिया गठबंधन, मोदी जी, राहुल गांधी, मोदी जी छोड़िए ना, मोदी जी कह रहे 400 पार। अरे पार है वो, बोलने दीजिए ना, बोलने से थोड़े होता है कुछ। कौन से देखते हैं कि हर हमारे बाप दादा सब कांग्रेस में वोट देते हैं, तो एक बार कम से कम MIM को भी यहाँ से सांसद 5 साल के लिए उसको भी देखते हैं। जावेद को बहुत आदमी देखा भी नहीं है कि कौन है कांग्रेस का जावेद सांसद। कौन जी वही डॉक्टर जावेद साहब, उसी को देंगे वोट। लोग कह रहे काम ही नहीं किया तो वोट, काम करे ना करे, काम से नहीं जाना है। मुजाहिद साहब का कोई वैल्यू नहीं है, कभी लालू के साथ आ जाएगा, फिर कब पता नहीं बीजेपी में चला जाएगा, तो कब वो सरकार बदलते बदलते उसका टाइम खत्म हो जाता है और बाद में पता चला कि कुछ काम ही नहीं हुआ। MIM को वोट मिलेगा इस बार, हर जगह एक दो होगा, लेकिन MIM के जैसे अभी हर मुद्दा में वो आवाज उठाता है, मुसलमानों का और दलितों का पिछड़ों का, हर 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 मुद्दे में उसका आवाज है। हम अभी लोकसभा क्षेत्र किशनगंज में है, किशनगंज का ये जनता हाट है, ये हाट बैगना पंचायत में आता है। हम यहाँ के लोगों से उनकी राय जानेंगे कि उनकी समस्याएं क्या है और उनके क्षेत्र का कौन सा सांसद विकास करेगा। और पिछले 5 साल की अगर यहाँ बात करें तो 2019 में कांग्रेस के सांसद डॉक्टर जावेद साहब यहाँ से जीते हुए हैं। क्या ये लोग फिर उसी को जिताएंगे या नहीं, ये लोग क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं या फिर उसी को जिताएंगे, आइए के लोगों से बात करते हैं। नमस्कार, क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा, किसको जिताएंगे, कौन आपके क्षेत्र का विकास करेगा? हम लोग तो शुरू से कांग्रेस को देखे आए हैं, लेकिन इस बार नहीं देंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि जावेद को बहुत आदमी देखा भी नहीं है कि कौन है कांग्रेस का जावेद सांसद, इसलिए हम लोग इस बार अख्तरुज्जमान को देंगे। अख्तरुज्जमान को इधर आता ही नहीं है, अभी चचा गए थे मास्टर मुजाहिद। वो होगा एक दो तो होता ही है, हर जगह एक दो होता है। MIM जिंदाबाद, MIM को वोट मिलेगा इस बार, हर जगह एक दो होगा, लेकिन MIM के जैसे अभी हर मुद्दा में वो आवाज उठाता है, मुसलमानों का और दलितों का पिछड़ों का, हर 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 मुद्दे में उसका आवाज है। NRC का जैसा मुद्दा हुआ, वहाँ बिल फरा और 3 तलाक का मामला हुआ और कुछ भी हुआ, जितना भी मामला होता है अवैसी साहब आवाज उठाते हैं। अच्छा, आवाज तो उठाते हैं, विकास कौन करेगा? अवैसी साहब आके करेंगे यहाँ तो करेंगे ना, जब जीतेंगे तो ताकत बनेगा हमारा, हमारा तो MP होगा तो ताकत होगा ना। जैसे औरंगाबाद इम्तियाज जलील साहब है, अवैसी साहब है, यहाँ से अख्तर इमान साहब जीत जाएंगे तो हमको ताकत बनेगा। कांग्रेस को तो हम लोग 36 साल से दिखते हैं, वो तो परंपरा हो गया उन लोगों का कि बाप जीता तो बेटा भी जीतेगा, ऐसा नहीं है। अब जमाना बदल गया है। अच्छा। हर आदमी जानकार हो गया है। तो मौजूदा सांसद जो कांग्रेस के वो काम नहीं किए क्या? कोई काम नहीं किया है, एक लाइट लगा है तो अभी जलता भी नहीं है। ये लाइट जो लगा है दिखाइए थोड़ा ऊपर में, ये अभी जलता भी नहीं है। रात में कम से कम 5 मिनट तो हमको जलाना पड़ता है, जलता है बिक जाता है। क्या तेल डालना पड़ता है क्या? वो अपने ऑटोमेटिक तैयार नहीं है, उसको कितना शिकायत किया वो भी नहीं सुनता है। हाल ही एक महीना हुआ है, इसीलिए अभी हम लोग का पूरा MIM पर है पूरा जी। आगा तो होगा, अलग बात है। पतंग का निशान हो, इस बार पतंग का निशान जीतेगा पतंग, इस बार पतंग ही जीतेगा। 6 लाख पर पार, 6 लाख पार। सबने दिया हमको चोट, अब अपनी पार्टी अपनी वोट, बच्चा बच्चा नीम का। इस बार चलेगा सिर्फ पतंग ही पतंग, आसमान में कुछ नहीं, सिर्फ पतंग ही पतंग। हाथ हाथ छाप पतंग छाप, हाथ छाप भी कह रहा तो कहने दो, पतंग छाप चलेगा इस बार। लोग कह रहा है हाथ छाप बहुत काम किया है, हाथ छाप बहुत काम किया। बाप दादा 36 साल से वोट देते कब्रिस्तान चला गया, आज तक हम लोग को कोई विकास नहीं हुआ। आज तक विकास के मामले में सबसे ज्यादा अगर बोलने वाला है तो अख्तर साहब है, अख्तर साहब के नेता अभी कोई नहीं है, अख्तर साहब के सिवा अभी कोई नेता नहीं है। मास्टर मुजाहिद साहब को जानते हैं? मास्टर मुजाहिद साहब है वो BJP में, वो JDU और भाजपा दोनों गठबंधन में, तो उसको वोट नहीं करोगे? इस बार हम लोग पतंग का है। लोग कह रहे हैं पतंग छाप जो है ना, वो AIMIM, वो BJP का ही B टीम है। कोई B टीम नहीं है, B टीम तो JDU और
बीजेपी है नहीं, बात बी टीम है, बी टीम नहीं है सर। मोजा साहब का कोई वैल्यू नहीं है, कभी लालू के साथ आ जाएगा फिर कब पता नहीं बीजेपी में चला जाएगा, तो कब वो सरकार बदलते बदलते उसका टाइम खत्म हो जाता है और बाद में पता चला कि कुछ काम ही नहीं हुआ। दो साल इधर, दो साल के बाद लालू का बेटा के साथ में सरकार बनाया, कुछ नौकरियां उन्होंने दी, उसके बाद जब उसका और आगे काम बढ़ना था तो चला गया बीजेपी में। तो इसीलिए मास्टर मुजाह साहब का तो कोई ये नहीं है, उसका पार्टी का जो ये है कि उसका कोई मतलब पता नहीं कब किधर पलटी मार दे। मतलब दो पार्टी और बचा, एक हाथ छाप एक पतंग छाप। हाथ छाप को बहुत देर से हम लोग देते आए हैं और ये किए हैं, मतलब बचपन से देखते हैं कि हर हमारे बाप दादा सब कांग्रेस में वोट देते हैं, तो एक बार कम से कम एमआईएम हमको भी यहाँ से सांसद 5 साल के लिए उसको भी देखते हैं। एमआईएम हाँ, एमआईएम जीतेगा हमें जी, बिल्कुल जीतेगा, वोट देंगे तभी जीतेगा ना। तो आप वोट देंगे अगर लोग कह रहे हैं बीटी में बीजेपी का, कहना तो बहुत बात है, बी टीम कौन है नहीं है वो सब जानता है, कांग्रेस क्या है ये सब किया धरा, एनआरसी ये वो जो भी आता है सब कुछ तो कांग्रेस का ही बनाया हुआ है। आज बी टीम कौन हुआ वो करके रखा है, आज बीजेपी उस चीज को लागू कर रहा है, तो कांग्रेस और बीजेपी में कुछ फर्क नहीं है, वो कानून बना करके छोड़ दिया है ये लागू करता है, बस हर चीज में वही है। मोइनुद्दीन क्या लगता है इस बार किसको दिल्ली भेजेंगे आप लोग? दिल्ली हा? इस बार जो है इंडिया गठबंधन का बनेगा सरकार। इंडिया गठबंधन मोदी जी, राहुल गांधी मोदी जी छोड़िए ना, मोदी जी कह रहे हैं 400 पार। अरे पार है वो, बोलने दीजिए ना, बोलने से थोड़े होता है कुछ। अरे वो जी साला खाली हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद कर रहा है, तफरीका करा रहा है, उसका काम है ऐसा। बाकी एनडीए नहीं जीतेगा, एनडीए नहीं जीतेगा वो। अच्छा हमको किशनगंज की बात कर रहे हैं, किशनगंज में किस कौन जीतेगा? वही डॉक्टर जावेद साहब जी, उसी को देंगे वोट। लोग कह रहे काम ही नहीं किया तो वोट, काम करे ना करे काम से नहीं जाना है, काम से कोई मतलब नहीं, काम से कोई मतलब नहीं, क्या काम कमा करके खाते हैं सब, यानी जिंदगी भर कांग्रेस को वोट करेंगे, कांग्रेस वोट देंगे, काम करे या ना करे, हाँ करे ना करे, उसका उसका सत्ता में कभी हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ आज तक, मंदिर मस्जिद नहीं हुआ, ये जो जितना नया नया आ रहा है सब हिंदू मुस्लिम ले मस्जिद। भाई कांग्रेस को वोट देंगे हम, चाहे कोई जीते। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मोहसिन। मोहम्मद मोहसिन जी, क्या लगता है किसको जिताएंगे आप लोग, किसको दिल्ली भेजेंगे इस बार? इंशाल्लाह सोच रखे हैं एमआईएम को भेजने के लिए, सबको देख लिए है, कांग्रेस को भी देख लिए है, जेडीयू को भी देख लिए है, 17 साल से वही देख रहे हैं, ना कुछ हुआ है ना विकास में कुछ, इसीलिए हम लोग इस बार बस एमआईएम को वोट कर रहा है, इस बार राहुल उसी का ये है, उसी को भेजेंगे। अभी जो सांसद है मौजूदा सांसद कांग्रेस का डॉक्टर जावेद साहब, हमारे नजदीक इस बार तो उसको देखे ही भी नहीं है हम लोग, कि कब आता है नहीं आता है पता नहीं चलता है, उसका कोई मतलब ही नहीं है उसको कि आने का इधर क्या हाल है नहीं है, मर रहा है ना क्या हो रहा है नहीं हो रहा है इधर आने नजदीक इस बार में। एक चेहरा और है मास्टर मुजाहिद साहब, नहीं उसको हम काय के लिए देंगे, वो अगर नहीं आता नीतीश कुमार फिर तब उसको देते, हम लोग बीजेपी में उन्हें वोट किए देंगे उसको, बताओ अपने कौन को वोट देना है, इस बार अख्तर अली मान को जिताना है हम लोग को, बस। रेहान नाम है, रेहान जी, क्या लगता है आपके क्षेत्र का कौन विकास करेगा, कौन सांसद को आप लोग चुनना चाहते हैं? हम लोग तो एमआईएम को करना चाहते हैं। एमआईएम एमआईएम क्यों? इसलिए कि हमारा इधर काम ही नहीं हुआ है इस बार, इसलिए काम नहीं हुआ है। अभी जो मौजूदा सांसद है वो कह रहे हैं सबसे ज्यादा काम हम किए हैं, नहीं हुआ है काम, कहाँ हुआ है इधर, ये लाइट लगा दिया वो लाइट के बारे में, जलता है नहीं, जलता ही नहीं, नहीं नहीं जलता, जलता है नहीं, दिन में कभी कभी रात ही में भागता है और आने आने का मैंने 5-10 मिनट बाद ही आता है ये लाइट, अपना मनमर्जी से चलता है। हाँ अपना मन मर्जी से, अपना हाथ से जलाना पड़ता है ना। नहीं नहीं अपना हाथ से भी जलाएगा तो फिर भी अपना ये मन मर्जी मन चल रहा है। और ये क्या मास्टर मुजाहिद साहब जानते हैं उसको? जानते हैं ना, क्या वो नहीं जीतेंगे? नहीं देखिए आप किस्मत में किसका है, नहीं है तो आप हम लोग पाने नहीं पाएंगे, ठीक है, आप जो अभी जो आ रहा है तो हम उसको चुन रहे हैं, ठीक है, एमआईएम को। एमआईएम जी,